सर्दियों का मौसम आ गया है और मार्केट में मूली बहुत ही अच्छी अच्छी मिलने लगी हैं। मूली की सब्जी, अचार, रोटी, पराठे आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की चटनी, जो बनाने में है बहुत ही इजी और खाने में है जबरदस्त टेस्टी। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने किचन ट्रीट्स केडी में। मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज की मूली ली है, जिसे मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है। अब इसे आगे और पीछे से थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे और फिर इसे छील लेंगे, सारा छिलका इसका हटा देंगे। छीलने के बाद मैंने एक बारीक वाला ग्रेटर लिया है, अब मूली को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में दरदरा पीस भी सकते हैं। यहाँ मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है, इसे साइड में रख देते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे लहसुन। यहाँ मैंने 10-15 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। लहसुन भुन गया है, इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे निकाल लेंगे। अब मैंने ली है 4-5 साबुत लाल मिर्च। इन्हें भी इसी ऑयल में भून लेंगे, जिससे इनका मॉइस्चर निकल जाए। मिर्च सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आधे मिनट में ये सिककर तैयार हो जाती हैं। मिर्च भी भुन गई है, तो इन्हें भी निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसे 1 मिनट भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा के चटक जाने पर इसमें ऐड करेंगे ग्रेट की हुई मूली को। इसे भून लेंगे। इसी के साथ मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसे रफली चॉप कर लिया है। इसे करीब 2 मिनट पकने देंगे। यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द ही चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और नई नई रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हमारी कोई नई रेसिपी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप देख सकते हैं टमाटर और मूली पककर सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें इतना ही पकाना है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे गर्म नहीं पीसना है। अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें पहले सूखे मसाले को ग्राइंड कर लेंगे, जो हमने भून कर रखा है। सूखा मसाला पीस कर तैयार है। अब इसी के साथ डाल देंगे मूली और टमाटर का गीला मसाला और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसी के साथ 1 नींबू का रस, आप इसकी जगह पर इमली भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, यानी सफ़ेद सिरका। सिरका डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आपको अगर चटनी ज़्यादा दिन ना रखनी हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, चटनी पिसकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए एक तड़का बनाकर तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है 1 तड़का पैन। इसमें लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई। राई को चटकने देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे करी पत्ता और साथ ही 1 लाल साबुत मिर्च। 1/4 चम्मच डाल देंगे हींग। तड़का बनकर तैयार है। अब इसे डाल देंगे चटनी के ऊपर। तो ये लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी मूली की चटनी बनकर तैयार है। आप अगर इसे इस तरह से बनाएंगे तो सप्ताह भर आराम से चल जाएगी, खराब भी नहीं होगी। इसे आप रोटी, पराठे, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं।
आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय।